Another interesting example, what is the output of given case? Generally, इस केस में देखा जाए 4K respect में test किया behavior of the local variables. Already discuss किया था किसी भी local variables के लिए memory space allocate होता है whenever execution control comes inside block. जैसे execution control किसी भी block के beginning में enter होगा, सबसे पहले perform क्या होगा? Memory allocation for local variables of करेंट ब्लॉक ओनली. इस केस में मेन ब्लॉक के अंदर कंट्रोल ओनली वन टाइम एंटर हो रहा है, इसलिए आउटर आई के लिए एलोकेशन कितनी बार होगा? ओनली वन टाइम्स. फॉर लूप के अंदर भी वेरिएबल डिक्लेरेशंस पॉसिबल है बिकॉज जस्ट टॉप ऑफ द ब्लॉक. ये डिक्लेरेशंस कैसा? वैलिड डिक्लेरेशन, देयर इज नो एरर्स. बट इन दैट केस अगर ये लूप 10 टाइम एग्जीक्यूट हुआ देन आई के लिए मींस कंट्रोल एंटर कितनी बार हुआ? 10 टाइम्स. बाहर भी कितनी बार सेंड हुआ? 10 टाइम्स. इसलिए इन लोकल वेरिएबल्स के लिए एलोकेशन कितनी बार होगा? एन टाइम्स और 10 टाइम्स. सेम है डी एलोकेशन भी कितनी बार होगा? 10 टाइम्स. करेंटली अगर देखा जाए लॉजिकली लूप 3 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए कंट्रोल कितनी बार एंटर हो? 3 टाइम्स. लोकल वेरिएबल मीन्स फोर लूप के लोकल आई के लिए एलोकेशन कितनी बार होगा? 10 टाइम्स. इसका बिहेवियर टेस्ट कर दें वन बाई वन. फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्वेंस वन, ऑलरेडी मैंने राइट डाउन किया स्टैक डायग्राम और आउटपुट स्क्रीन. फर्स्ट वन, देन इस केस में जैसे ही कंट्रोल ब्लॉक के अंदर एंटर हुआ परफॉर्म क्या हुआ? मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल ऑफ आई. वन मोर थिंग, इस केस में दोनों ही केस में लोकल वेरिएबल्स के नेम्स कैसे हैं? एग्जैक्टली सेम. ऑलरेडी डिस्कस किया हमेशा प्रायोरिटी किसको मिलता है? लोकल टू द ब्लॉक. आई आई के लिए एलोकेशन कराया विद इनिशियल वैल्यू एज गार्बेज. नेक्स्ट वन सेकेंड, देन थर्ड. थर्ड केस में कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ? मीन्स दिस वन इज हेडर सेशन, दिस वन इज बॉडी सेशन. देन परफॉर्म किया हेडर सेशन कंप्लीट हुआ. हेडर सेशन के केसेस में चांस किसको मिलेगा? इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन के अकॉर्डिंग अभी तक लोकल मीन्स कंट्रोल अभी लोकल ब्लॉक में एंटर नहीं हुआ, इसलिए इनर आई के लिए कोई भी स्पेस एलोकेट नहीं हुआ. आई इक्वल टू जीरो, ओनली सिंगल आई फाउंड हो रहा है, इसलिए आई का वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगा जीरो. नेक्स्ट वन कंडीशन टेस्टिंग, फोर्थ केस. सिक्वेंस फोर्थ के अकॉर्डिंग परफॉर्म क्या कराएं? कंडीशन टेस्टिंग. कंडीशन में प्रोवाइड किया आई लेस देन थ्री. करंटली स्टैक में ओनली सिंगल आई फाउंड हो रहा है, आई का वैल्यू क्या है? जीरो. जीरो लेस देन थ्री, कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन ट्रू है देन चांस किसको प्रोवाइड हुआ? इनसाइड मीन्स कंट्रोल का सेंड हुआ इनसाइड बॉडी ऑफ लूप मीन्स दैट प्लेस. जैसे ही कंट्रोल बॉडी सेशन में एंटर हुआ मीन्स ओपनिंग ब्रैकेट परफॉर्म क्या करेंगे? अगेन मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल ऑफ दैट ब्लॉक. इस ब्लॉक के अंदर ओनली सिंगल लोकल वेरिएबल फाउंड हो रहा है एज आई. देन अगेन स्टैक के टॉप में परफॉर्म क्या कराएंगे? वन मोर टाइम्स मेमोरी एलोकेशन फॉर वेरिएबल आई. यानी सेकेंड आई के लिए इनिशियल वैल्यू क्या है? 10. अब स्टैक में टोटल कितने आई फाउंड हो रहे हैं? 2 आई. जब भी स्टैक में किसी वेरिएबल का डेफिनेशन सर्च होगा, डेफिनेशन हमेशा टॉप प्लेस से सर्च होगा, टॉप में आई का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है? 10. इसलिए जब तक ये टॉप वैल्यू आई अवेल तब तक इनर आई एक्सेस करना पॉसिबल ही नहीं है. देन इस केस में नेक्स्ट वन सिक्वेंस क्या है? 4. देन सिक्वेंस है 5 एंड 6. इस केस में मैं सिक्वेंस ओपनिंग ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस के लिए मार्क कर रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो. इन दैट केस जैसे ही कंट्रोल इस कर्ली ब्रेसेस के फॉर्म में इस बॉडी सेशन में एंटर हुआ, इस बॉडी सेशन में मार्क कर रहा हूँ 4 एंड 5. देन 5 के बाद फिफ्थ केस में परफॉर्म किया हुआ मेमोरी एलोकेशन 4 आई. देन सिक्स्थ केस में परफॉर्म क्या हो रहा है? आई इनिशियलाइज्ड बाई 10, जबकि इनिशियल वैल्यू क्या था इसका? गार्बेज. सेवंथ केस प्रिंट एप डिस्प्ले आई. स्टैक के टॉप में आई का वैल्यू 10 फाउंड रहा, इसलिए आउटपुट में भी क्या डिस्प्ले हुआ? ऑल्सो 10. देन स्पेस. एट्थ केस आई प्लस प्लस, इंक्रीमेंट भी किसमें हुआ? टॉप आई. टॉप आई का वैल्यू 10 है, इसलिए इंक्रीमेंट के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 11. वैल्यू ऑफ आई कम्स 11. आफ्टर दैट इसके जस्ट हुआ 8th के बाद क्या है? क्लोजिंग. क्लोजिंग मीन्स 9th केस. इस केस में जैसे 9th केस में क्लोजिंग फाउंड हुआ, कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ? हेडर ऑफ द लूप. हेडर के अंदर किस सेशन में एंटर हुआ? इनसाइड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. ये सब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन चेक करो. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ फाउंड हो रहा? इनसाइड ब्लॉक और आउटसाइड ब्लॉक. आउटसाइड ब्लॉक मीन्स कंट्रोल ब्लॉक से बाहर सेंड हो चुका. जैसे ही कंट्रोल ब्लॉक में एंटर हुआ देन परफॉर्म कराया था मेमोरी एलोकेशन ऑफ हाई. सिमिलरली जब कंट्रोल इस ब्लॉक से बाहर सेंड हुआ देन परफॉर्म क्या हुआ? मेमोरी एलोकेशन डी एलोकेशन फॉर आई. देन इस केस में आई डी एलोकेट हो जाएगा मीन्स इनर आई. देन जब आप नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग ओनली सिंगल आई फाउंड हो रहा है मीन्स प्रीवियस मेन फंक्शन गिवन आई. इस केस में आई में इंक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. अभी प्रीवियस प्लेस पर गार्बेज वैल्यू अवेलेबल है समथिंग 11. आई प्लस प्लस होने के बाद देन कंडीशन टेस्टिंग.
कंडीशन टेस्ट करें, अभी भी ओनली सिंगल आई का डेफिनेशन फाउंड हो रहा है। वैल्यू क्या है, वन, वन लेस देन थ्री, कंडीशन इज अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू है। देन इलेवंथ केस में फिर से कंट्रोल सेंड हुआ इनसाइड ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर सेंड हुआ, देन परफॉर्म क्या हुआ, मेमोरी एलोकेशन फॉर दैट आई अगेन। ट्वेल्थ केस में जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ देन आई का अगेन नेक्स्ट न्यू वैल्यू का इनिशियलाइज हो जाएगा अगेन टेन। नेक्स्ट वन, ट्वेल्थ के बाद क्या, थर्टींथ केस, थर्टींथ केस में अगेन डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू ऑफ आई, टॉप में आई का वैल्यू अगेन क्या फाउंड हो रहा है टेन, इसलिए मैसेज नेक्स्ट टाइम अगेन क्या डिस्प्ले होगा आउटपुट में एज अ टेन। फोर्टींथ केस आई प्लस प्लस, स्टैक के टॉप में आई का वैल्यू टेन फाउंड हो रहा है, इंक्रीमेंट होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अगेन इलेवन। देन फिफ्टीन मीन्स कंट्रोल कहाँ सेंड हो रहा है, आउटसाइड बॉडी मीन्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, मीन्स बॉडी पार्ट कंप्लीट होने के बाद जस्ट चांस किसको मिला इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन। जैसे फिर से कंट्रोल ब्लॉक से बाहर सेंड हुआ अगेन परफॉर्म क्या हुआ, डी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल आई लाइक दैट, इस प्लेस पर करंटली सम गार्बेज वैल्यू अवेलेबल समथिंग इलेवन। नेक्स्ट टाइम सिक्सटीन का सेवन मीन्स जब आई प्लस प्लस होगा तो आई प्लस प्लस किस में फाउंड होगा, टॉप, टॉप में ओनली एक ही आई फाउंड हो रहा है, इसका वैल्यू एग्जिस्टिंग वैल्यू वन फाउंड है, इंक्रीमेंट होने से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टू। देन अगेन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्टिंग में आई का वैल्यू क्या है टू, इसलिए रिप्लेस क्या करें टू लेस देन थ्री, कंडीशन अगेन ट्रू। फिर से कंट्रोल कहाँ सेंड होगा, इनसाइड बॉडी, देन परफॉर्म क्या करेंगे अगेन वन मोर टाइम्स मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल आई। देन 19 केस में जब इसे स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होगा देन आई का वैल्यू अगेन क्या रिप्लेस हो जाएगा एज अ 10। जब तक कंट्रोल इस ब्लॉक में अवेलेबल तब तक चांस किसको मिलेगा एन आर आई मीन्स लोकल वेरिएबल आई। नेक्स्ट टाइम 20 केस में अगेन डिस्प्ले हुआ वैल्यू ऑफ आई, आई का वैल्यू 10 फाउंड हो रहा है इसलिए डिस्प्ले क्या हुआ 10। नेक्स्ट टाइम 21 से परफॉर्म क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट इन आई, नाउ आई बिकम्स अगेन 11। 22 कंट्रोल कहाँ सेंड हो रहा है, आउटसाइड बॉडी मीन्स हेडर सेशन। 23 इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने से जस्ट पहले कंट्रोल ब्लॉक से बाहर सेंड हो चुका है बिकॉज हेडर पार्ट का है आउटसाइड ब्लॉक, देन अगेन परफॉर्म क्या हुआ डी एलोकेशन फॉर इनर आई। देन 23 केस में अगेन आई में इंक्रीमेंट करें तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट वन 24 कंडीशन टेस्टिंग, आई का वैल्यू 3 फाउंड हो रहा है, 3 रिप्लेस करें, 3 लेस देन 3 कंडीशन बिकम फॉल्स। जैसे फोर लूप के केस में कंडीशन फॉल्स हुआ, 24th केस में कंट्रोल सेंड हुआ आउटसाइड बॉडी ऑफ फोर लूप मीन्स 25, देन आउटसाइड बॉडी ऑफ मेन फंक्शन 26। जैसे कंट्रोल मेन से बाहर सेंड हुआ देन अगेन परफॉर्म किया जाए डी एलोकेशन फॉर दैट मेन वेरिएबल्स आई। इस केस में फाइनली अगर ऑब्जर्व किया जाए, अगर इस लूप का एग्जीक्यूशन 10 टाइम परफॉर्म होता है देन आई के लिए एलोकेशन भी कितनी बार होगा 10 टाइम्स, डी एलोकेशन भी कितनी बार होगा 10 टाइम्स, मीन्स एवरी टाइम क्रिएट होगा प्लस एवरी टाइम जब तक कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर प्रोसेस हो रहा है तब तक चांस किसको मिलेगा इनर आई को। द बेसिक बिहेवियर ऑफ लोकल वेरिएबल्स।